स्वागत है आपका सरकारी नौकरी अलर्ट्स पे। यूपीएससी ने दोस्तों इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रिक्रूटमेंट 2023 के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 51/2023 के अंतर्गत इसे जारी किया गया है। इम्पॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर देख सकते हैं, अप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट आपकी होगी 25 फरवरी 2023 से 17 मार्च 2023 शाम को 6 बजे तक, ठीक है। और पेमेंट की आखिरी डेट 17 मार्च 2023 की होगी, तो लास्ट डेट से पहले पहले ही आप फॉर्म को अप्लाई करके अपना पेमेंट सुनिश्चित करें ताकि वेबसाइट पर आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या ना हो। और करेक्शन डेट दोस्तों 18 से 24 मार्च 2023 की होगी, और करेक्शन का लिंक जैसे ही अवेलेबल होगा हम आपको शॉर्ट्स के माध्यम से नोटिफाई कर देंगे, अतः चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आप एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड डेट जैसे आएगी हम नोटिफाई कर देंगे, ठीक है। अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर देख सकते हैं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25 रुपये होंगे, एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड और सभी आल कैटेगरी फीमेल के लिए 0 रुपये होंगे। पेमेंट आप ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हैं दोस्तों, और ऑफलाइन आप अगर पोस्ट के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो अगर आपको दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भरना है तो आपके टोटल 50 रुपये लगेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी यहाँ पर एज लिमिट देख सकते हैं 17 मार्च 2023 तक आपकी मिनिमम एज कम से कम 18 साल तो होनी ही चाहिए, और मैक्सिमम एज जो आपकी देख सकते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 30 साल और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए 35 साल आपकी मैक्सिमम एज हो सकती है। एज रिलैक्सेशन के लिए आगे की फ्लैट्स देखें। अभी आप यहां पर देख सकते हैं टोटल 418 पोस्ट हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए, और APFC के लिए 159 पोस्ट हैं। एलिजिबिलिटी दोस्तों, बैचलर डिग्री आपके पास किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं, और वह इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको इश्यू हो सकती है। अभी यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि कितने पोस्ट अवेलेबल हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसे देख सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जो एज लिमिट है वह अगर कोई नॉर्मल पर्सन है तो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए अप टू 5 साल की एज लिमिट मिलेगी, और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की एज लिमिट मिलेगी। और अगर कोई पर्सन है जो कि प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो इसको 5 साल एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलेगी, ठीक है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं अगर कोई पर्सन है जो एक्स सर्विस मैन है या फिर कमीशन्ड ऑफिसर है जैसे कि ECOs और SSCOs तो उसको 5 साल के एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या यूनियन टेरेटरी के एम्प्लॉई हैं उनको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं यानी कि जो विकलांग पर्सन हैं अगर नॉर्मल कैटेगरी या सामान्य कैटेगरी के हैं 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर एससी और एसटी कैटेगरी के हैं तो वह 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 13 साल का मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एग्ज़ाम होगा वह दो चरणों में होगा स्कीम में, देख सकते हैं यहाँ पर स्कीम क्या है। यहाँ पर 2 आवर्स ड्यूरेशन होगा टेस्ट का, ठीक है, जिसमें सभी क्वेश्चन जो होंगे वह इक्वल मार्क्स के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और मल्टीपल चॉइस होंगे दोस्तों। मल्टीपल चॉइस का मतलब एक क्वेश्चन के 2 आंसर भी सही हो सकते हैं, ठीक है। और मीडियम जो टेस्ट होगा वो होगा हिंदी और इंग्लिश का, और अगर कोई क्वेश्चन आप गलत आंसर देते हैं तो 1/3 मार्क्स उस क्वेश्चन के काट लिए जाएंगे, ठीक है। और सिलेबस देख सकते हैं आप, जो यह रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर के लिए, इसके लिए सिलेबस में जनरल इंग्लिश आपकी आएगी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इश्यू, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी हल्की फुल्की मैथ्स, और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ठीक है। इसमें वेटेज देख सकते हैं 75-25 का वेटेज होगा, यानी कि 75 नंबर टेस्ट के लिए जाएंगे और 25 नंबर इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पर देख सकते हैं जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है इसके लिए जो सिलेबस है वह इस प्रकार होंगे, जनरल इंग्लिश, इंडियन कल्चर हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट इवेंट्स, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉस, इंश्योरेंस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस और जनरल साइंस, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें स्टैटिक्स भी आएगी क्योंकि ये प्रोविडेंट फंड ऑफिसर के लिए है, और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ठीक है। वेटेज इसमें भी 75-25 का होगा दोस्तों। और इस प्रकार स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी जानकारी लगभग हमने आपको दे दी है, अगर कोई जानकारी हमसे मिस हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम इसके बारे में ज़रूर आपको बताएंगे। और इसी प्रकार की काम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ ये वाला वीडियो भी शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।